तनक तनक से हाथे दोई लाओ कोस जेव करीला में खेल रहे थे, जेव करीला में खेल रहे थे और राम के घोड़ा पकड़ रहे थे। उसी समय भगवान राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करे दो और वो यज्ञ को घोड़ा पूरे भारत वर्ष को चक्कर लगा के जैसे ही करी लागे जंगल में हो निकले, लव कुश की नजर वो घोड़ा पे पड़ गई। तो देखो आप, लव कुश ने वो घोड़ा के लाजे पकड़ लो और पकड़ के एक पेड़े से बांध दो। संगे रामचंद्र जी की सेना हती, एक सिपाही आओ लव कुश के पास, बोले काहे भैया जो घोड़ा काहे पकड़ो। लव कुश बोले तुम्हें का करने, बोले भैया घोड़ा हमारे राजा को आए कैसे नहीं करने। लव कुश बोले हमें पता है तुम्हारे राजा को आए, राजा रामचंद्र जी को आए, यही से पकड़ो। बोले तो, बोले अब तो राजा रामचंद्र ये टेर के लिए आओ, जब छोड़े देखो भाव का। अरे धर दो हुदा सेनापति ने, लव कुश ने एक घूसा मारो तो वो सिपाही मार जाके वो धेमो गयो। और जैसे ही करो धर दो हुदा सेनापति में सो मोबा दो और जीव कड़ी सेना हो गई तिड़ी बिड़ी। हाँ धर दो हुदा सेनापति में, सेनापति ये कई होदा में जीप काट रही बान है तो जो संगे सेना हती और सोन ने तो गदबद दे रही हूं। गदबद दे के सत्तू धन महाराज के लेगा पहुंचे, बोले महाराज, बोले काय, बोले घोड़ा पकड़ ला दो मोड़ा मोड़ी अन्ने। बोले तो, बोले तुम ही चलो। बोले यार सेनापति, अब बोले सेनापति मोबाइल डरो होता ही, तुम ही चलो। अब साहब शत्रुघ्न महाराज आए, देखो आप भाव का। लव कुश तो ठाड़े ही थे घोड़ा की लगाम पकड़े, शत्रुघ्न महाराज आए, बोले काय बेटा तुम नहीं है पकड़ो घोड़ा। बोले हाओ। लव कुश बोले तुम को आओ। बोले हम राजा राम सिंह जी के छोटे भैया। बोले तुम काय खो आए, घोड़ा छोड़वावे आए। बोले ऐसा नहीं छोड़ने जाओ, तुम अपने बड़े भैया को पहुंचाइयो, उनसे मतलब है हमें, जाओ राजा रामचंद्र ये पहुंचाओ, जब छोड़े। शत्रुघ्न महाराज को गुस्सा आओ तो लव कुश बोले सुनो, आंखें काड़वे की जरूरत नहीं है, और अगर तुमने आंखें काड़ी ना तो तेंदू के पेड़े बंदो घोरो आ। अरे तेंदू के पेड़े बंदो घोरो आ, ओ तम हो वे जी में सोले ओ छोरो आ, सन्यासी लला मेरा भी लला। लव कुश बोले तुम, शत्रुघ्न महाराज बोले तुम यार मोड़ा मोड़ी है काय खो, मैं एक चाटा फटकार देने से तुम्हें अब हाले तुम्हारो आ जाओ ने उठ नहीं पाऊ ने। लव कुश बोले सुनो, बातन से काम नहीं होने। अरे ये ठो ना धन सुबान तानो, बोले बातन के बदले सा नहीं बना, अगर तुम में दम है तो एठो ना धन समान तानो, हमें तुम हलके ना जानो। एठो ना धन समान तानो, हमें तुम हलके ना जानो। एठो ना धन समान तानो, हमें हलके ना जानो।
जैसे ही धनुष बाण उठाए सत्वधन महाराज ने माए से लपकुश ने ए मारे लव ने बाण मारे लव ने बाण ए मारे लव ने बाण मारे लव ने बाण और शत्रुधन अरे शत्रुधन धरती पे लौट गए ए मारे लव ने बाण शत्रुधन धरती शत्रुधन महाराज ने बढ़ गए एक ही बाण में मूर्छित हो गए। अब एक सिपाही ने गदवत दी अयोध्या के लाजे गदवत देते अयोध्या में पहुंचे राजा रामचंद्र जी सिंहासन पे बैठे थे हाँ पर दूपर जैसे ही दरबार में पहुंचे बोले महाराज रामचंद्र जी बोले काहे भैया उसे तो भगत आ रहा है जैसे कोई रपेटा तारा हो। बोले महाराज भारी बुराई बीत गई। बोले काहे बोले करीला के जंगल में दो तलक तलक से मोड़ा मोड़ी अन्य घोड़ा पकड़ लाओ। रामचंद्र जी बोले और हमारे छोटे भैया तो हते। बोले वो छोटे भैया मोह मार डरे होते ही जैसे ही राजा रामचंद्र जी सिंहासन पे से उठन चाहे दोनों लक्ष्मण जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। बोले महाराज मोह तो देखे हम तो कैसे मोड़ा मोड़ी है। रामचंद्र जी बोले ठीक है चले जाओ। लक्ष्मण को भी घमंड आतो अपने आम में लक्ष्मण को भी घमंड आतो कि अगर हम ना होते तो रामचंद्र जी लंका पे विजय नहीं कर पाते। तो देखो आप भाव का जैसे ही लक्ष्मण जी चले करीला के जंगल में पहुंचे लपकुश तो दो ही बिल्कुल नाहर कैसे चरण में डटे थे दो ही तरफ बढ़िया लगाम पकड़े बीच में घोड़ा। जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचे उनने सोची तनक मोटे ताजे हुई मोड़ा मोड़ी उतर गए तो तनक तनक सी तीर धरियां देख देख सी और ठाड़े बिल्कुल सोते आए। लक्ष्मण जी जैसे ही निकाले बोले का बेटा तुमने ये पकड़ो घरवा। बोले आओ लवकुश। बोले तुम को आओ। बोले हम रामचंद्र जी के छोटे भैया। बोले तुम का है आए। बोले हम छोटे भैया घोड़वा छोड़वा अभी आए। बोले तुम काहे को पिट दे आ रहे फालतू में जाओ अपने रामचंद्र जी को पहुंचाइयो। लवकुश बोले के पहुंचा दो अपने बड़े भाई को का बस की रही नैया। पहुंचा दो अपने लक्ष्मण जी बोले के लखन लाल बोले लव कुश से मैंने मेघनाद मारे। तुम्हें पता नहीं है हमने मेघनाद मारे। ये कोई मार विवाह नहीं है तो वे हमने मारो। अरे लखन लाल बोले लव कुश से मैंने मेघनाद मारे और तुम तो हो लड़का मारे। हाँ लक्ष्मण ने सोची यार मोड़ा मोड़ी तो बहुत ज्यादा बोल रहे।
लक्ष्मण बोले सुनो, बोले देखो नोने नोने छोड़ दो घोड़वा और नहीं तब तुम जाना तो हाल तुम्हें अगर तुम बताई ना चितियात भगो माई से तुम्हारे दद्दा मताई कह के बताओ। इतने बड़े आदमी ने तलक से मोड़ो मोड़न पे हाथ उठाओ, हम ई वजह से नहीं बोल रहे। लव कुछ बोले सुनो, ज्यादा सियान बनी कथा सुनावे की तो जरूरत नहीं है। और तुम अगर घोड़वा छोड़वा भी आए तो हमें तुमसे कोनो बैर नहीं है, हमें राजा रामचंद्र जी से मतलब है, उन्हें भेजो। तो देखो भाव का, ए लाल नैन भय लखन लाल के, लक्ष्मण जी तुम गुस्सा आ गाओ। अरे लाल नैन भय लखन लाल के, बाण सनातन मारे रे। लक्ष्मण जी ने धनुष पे बाण चला और जैसे ही छोड़े, लाल नैन भय लखन लाल के, बाण सनातन मारे रे। और जैसे ही लक्ष्मण ने बाण छोड़े, अरे धन धन बेटा जनक लली के, टोर टार धर डारे रे। हाँ, धन बेटा जनक लली के, टोक टोक कर डारे रे। असली लड़ाई अब या भाई। और जैसे ही लक्ष्मण और लवकुश के बीच में संग्राम भाव, अरे छेवले की छैया बमीठे की ओट, ए छेवले की छैया बमीठे की ओट। अब जब दो जन की लड़ाई हो तो कछु आदमी मजा ले, और मजा ले वेवाए भी ढूंढने लगे माए सके, अब कछु हो वेवाओ है। ऊपर से देवता देख रहे कि अब जरूर कछु हो विवाह है। देवता देखो देख रहे आपस में चर्चा कर रहे, अरे छेवले की छैया बमीठे की ओट, ये देखो अब कक्का भतीजन की चोट। सन्यासी लला बैरागी लला, लक्ष्मण चला रहे बाण रे, ए लक्ष्मण चला रहे बाण रे, लव कुश हस हस काट रहे। लक्ष्मण चला रहे बाण रे, लव कुश हस हस काट रहे। लक्ष्मण चला रहे बाण रे, लव कुश हस हस काट रहे। लक्ष्मण के पास जितनी शक्तियां थी सब चलाई, लेकिन लव कुश के